वैसा गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई यू वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो नया सप्ताह स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ में, और जोश ऐसा होना चाहिए कि पूरे सप्ताह को आप लोग इफेक्टिवली एंजॉय कर सकें। जो भी काम आप लोग करें उसको इस तरीके से करें ताकि आप लोग उस काम में करते हुए आप लोगों का मन लगे। बेमन से किया गया काम ना करने के बराबर होता है, वो हो तो जाता है पर लेकिन आप लोगों को उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए पूरा मन लगाकर आप लोगों हर एक काम कर रहे हैं, तभी जाकर पूरे वीक को इफेक्टिवली आप लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। अब यहां पर बात करते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के बारे में। आप लोगों को पता है कल यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर था, तो यहां पर जो कम्युनिटी टैग में जब आप लोग चैनल के ऊपर जाएंगे तो मैंने आप लोगों से यहां पर एक जो बेसिकली पोल कराया, आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आए, यानी कि जो 100 क्वेश्चन थे तो कितने क्वेश्चन आप लोगों ने यहां पर अटेम्प्ट किए हैं, ये बेसिकली मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो 50 से कम किए या फिर यहां पर आप लोगों ने देखने को मिलेगा 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से ज्यादा है, तो यहां पर जाकर आप लोग पोल कीजिएगा। इसके बाद में फिर एक और पोल आएगा, यहां पर जो पोल होगा उसमें यह देखा जाएगा कि आप लोगों के जो फिलहाल जो भी मार्केट में जो भी आप लोगों ने कहीं से अपने आंसर चेक किए होंगे तो अप्रोक्सीमेट कितने आप लोगों के मार्क्स बैठ रहे हैं, ठीक है। तो एक वो वाला पोल आएगा, ये तो शाम को डालूंगा या फिर कल मॉर्निंग में डालूंगा जैसा रेस्पॉन्स यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में फिर मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा इसके एनालिसिस के बेस पर, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में हम लोग को देखना है कि आगे किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, किस तरीके का पैटर्न आप लोग लेकर चल रहे हैं आगे, यानी कि आप लोग किस तरीके से आगे चीजों को बढ़ाएंगे। तो उन सब चीजों के बारे में फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। टेंशन नहीं लिया करते हैं, हर एक चीज में अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन देखे, सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, वही एक तरीका होता है जिंदगी को आगे लेकर चलने का। अगर टेंशन लेकर बैठ जाओगे कि अभी ये हो गया यार, ये होना चाहिए था, तो फिर देखे फिर कुछ नहीं होने वाला है। एक तो ऐसा है कि रोते रहो गाते रहो, एक ऐसा है कि यार जो गलती हो गई है उससे सीखो और आगे बढ़ो, दोनों में से कौन सी चीज आप लोग अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहोगे। तो ये चीजें जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहेगा। जितने लंबे समय तक उस जोन में पड़े रहोगे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, लाइफ में कई बार इससे बड़े बड़े लॉस होते हैं, ये कुछ भी नहीं है। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर प्रीलिम्स टफ आ गया, ठीक है, तो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर ठीक था पेपर। तो देखिए ये आप लोग की स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप लोग इसको ऐसे लेकर मत बैठिए कि हाँ ये क्या हो गया, ये तो पेपर था, कुंभ का मेला नहीं है, फिर आ रहा है 7-8 महीने बाद में। पर लेकिन सोचिए अगर किसी इंसान की जान भी चली जाती है, कई बार घर में किसी की डेथ हो जाती है, तो कितना बड़ा लॉस होता है कि वो कभी नहीं आएगा लाइफ में, ये तो पेपर है फिर से आ रहा है। तो इस तरीके से माइंड को आप लोगों को प्रिपेयर करके चलना है कि हाँ जो जो अभी गलतियां की हैं तुरंत उसको लिख लो, क्योंकि अभी टाइम है, अभी आप लोगों का थोड़ा जोश भी होगा आप लोगों के अंदर, एक तरीके से जो जो गलतियां की आप लोग उनको याद भी रख पाओगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उन गलतियों को आप लोग भूल जाओगे। तो उन सारी गलतियों को A4 साइज की शीट पर उतार लीजिए और अपने सामने चिपका लीजिए कहीं पर दीवार पर, या फिर अपने फोन का वॉलपेपर लगा लीजिए या फिर लैपटॉप का वॉलपेपर लगा लीजिए, तो वो आप लोगों के सामने दिखती रहनी चाहिए ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि हाँ ये गलतियां की हैं भैया, ये रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए और यही चीजें आप लोगों को आगे लेकर चलनी है, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी, बाकी और कई सारी वीडियो आप लोग की आएंगी, इसमें कई सारी बातें करूंगा। एक पूरा अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं कि पूरा एक ओवरव्यू में आप लोगों को पेपर का दूं, तो उसके बारे में आप लोग बताएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक वीडियो में, क्योंकि मैंने कल आप लोगों से पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए, पॉलिटी के लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो आप लोग की वीडियो मैंने लेक्चर ले रखे हैं सारे पॉलिटी के लगभग आप लोगों के वहां पर कवर हो रखे हैं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों हमेशा इसीलिए बोलता हूं कि आप लोग हमेशा चीजों को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि देखिए जितने डेडिकेशन के साथ में आप लोगों को वो लेक्चर दे रखे हैं उसमें बहुत मेहनत लगी थी, तो इसीलिए वहां पर उनका कुछ यूटिलाइज कीजिए ताकि आप लोग अपने एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके अच्छे से, ठीक है। बाकी और जो क्वेश्चन पेपर का जो पोर्शन बचा हुआ है उसको भी मैं कवर करूंगा जल्दी, ऐसा नहीं है उसको छोड़ूंगा, बस ये है कि अकेला रहता हूं तो चीजें थोड़ा सा करने में टाइम लग जाता है, ठीक है, तो उसको आराम आराम से कवर कर मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, और कई सारी गाइडिंग वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब जैसे आप लोगों की जो वीडियो बची हुई थी कुछ ऐसी, जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की थी कि वीक में आप लोगों के कुछ डाउट सेशन हुआ करेंगे, तो उनको भी मैं लेकर चलूंगा, जहां भी मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों से मुझे बात करनी है मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मुझे आप लोगों से बोलना था, तो इसके बारे में आप लोग जरूर वोट कीजिएगा, जब चैनल जाकर सर्च करेंगे स्टडी लवर वीर तो यहां पर जाकर आप लोग जाकर देख सकते हैं, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें, तो यहां पर आप लोग जाकर देखेगा कम्युनिटी टैग में, ठीक है। तो यहां पर एक अभी मैंने फिलहाल डाला है, ये अभी एक जो पोल है इसमें जाकर आप लोग वोट कीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मैप बेस्ड क्वेश्चन, यहां पर जो आप लोग अटेम्प्ट करने हैं, ये पेपर जो भी आप लोगों का देखने को मिला कल उसी का ये क्वेश्चन है। देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं निकलकर, करंट प्लेस कोई न्यूज में होता है उसके बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर वाले रीजन के बारे में बात की जा रही है, तो सियाचिन ग्लेशियर पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इससे, ठीक है। तो आप लोग जो है पुराने यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर पर ज्यादा फोकस दिया कीजिए एज कंपेयर टू जो टेस्ट सीरीज वगैरह रहती है, टेस्ट सीरीज को बाद में लगाइए, मैं नहीं कह रहा हूं लगानी नहीं है, लगानी है, पर सबसे पहले यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर
पेपर में को गो थ्रू आप लोगों को होना है, उनको अगर अच्छे से आप लोग कवर कर ले तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है, ये बोला जा रहा है ईस्ट ऑफ अक्साई चिन, नेक्स्ट बोला जा रहा है ईस्ट ऑफ लेह, नेक्स्ट बोला जा रहा है नॉर्थ ऑफ गिलगित, नेक्स्ट बोला जा रहा है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है कौन सा आंसर इसका सही है, और कौन सा आंसर सही है इसका मतलब ये नहीं है कि बस आंसर देख लेना है, अक्साई चिन देखेगा जाकर, लेह देखेगा, गिलगित देखेगा और नुब्रा वैली देखेगा। आगे हो सकता है कि यूपीएससी आगे चलकर नुब्रा वैली के ऊपर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से कि ये किस पर्टिकुलर रीजन में पड़ता है, बोले कि यहां पर सियाचिन ग्लेशियर आगे चलकर किसी क्वेश्चन में ऑप्शन बन जाए किसी ऐसे क्वेश्चन में, तो यूपीएससी क्या करती है क्वेश्चन के साथ में खेलती है आप लोगों से। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन तो ऐसा देखने को मिलेगा जो आज स्टेटमेंट है आगे चलकर कहीं क्वेश्चन बना हुआ मिलेगा वो, तो इसलिए समझो अगर आप लोग एग्जाम को प्रिपरेशन करना चाह रहे हो ढंग से तो उसको समझो कि एग्जाम किस तरीके की प्रिपरेशन आप लोगों से कराना चाह रहे हैं, तो ये बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर, तो इसको ध्यान से रखिए। बाकी आज तो मैंने क्वेश्चन नहीं डाला है, जल्दी ही यहां पर आप लोगों का एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें आप लोगों का मेंस का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे या तो फिर वीक में या फिर जब भी मुझे टाइम मिले करेगा, वीक में सोच रहा था मैं आ रही सैटरडे में आप लोगों की एथिक्स से रिलेटेड यहां पर कुछ चीजें मैं डिस्कस कर लिया करूंगा जिससे कि आप लोगों का एथिक्स का पोर्शन भी कवर होता रहे। आंसर राइटिंग यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वो भी आप लोगों को अटेम्प्ट करनी है अच्छे से। देखिए अपने आपको एनालाइज कर लीजिए एक दो दिन के अंदर अंदर और जल्दी से चीजों को आगे लेकर चलना है, उसको पकड़ के मत बैठिए कि नहीं हुआ यार क्या हो गया जिंदगी बर्बाद हो गई, टाइम वेस्ट करोगे तो उस चीजों से थोड़ा सा उबरने की कोशिश करो। हम मुझे पता है कि टफ होता है पर लेकिन अगर करोगे तो हो जाएगा, वरना उसी जोन में रहोगे तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। ओके, तो यहां पर देखेंगे बाकी देखते हैं क्या क्या आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं, और थोड़ा सा मैं भी जैसे पेपर देखता हूं तो फिर मुझे भी लगता है कि एक थोड़ा सा और डिफरेंट एंगल लेकर चलेंगे, कुछ और ज्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बैकग्राउंड की बताया करूंगा आर्टिकल्स के अंदर ताकि और ज्यादा तरीके से आप लोग उस आर्टिकल को कवर कर सकें। ठीक है, जो भी चीजें हैं आज आप लोगों जिसके पास में क्वेश्चन पेपर नहीं है, कई सारे बच्चे बोले सर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दो, तो टेलीग्राम पर डाल दूंगा उसको डाउनलोड आप लोग कर लेना। बाकी और भी कई सारी चीजें यहां पर शेयर की जाती हैं, आज तक के सारे पीडीएफ आप लोग को यहां पर इकट्ठे मिल जाएंगे, उनको भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे साथ ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक चीजें, आइए अब देखते हैं एक एक आर्टिकल को। जो मेन आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है बेसिकली इंडिया और चाइना के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग कुछ बातें जानेंगे, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है यहां पर और किस तरीके से जनता को मिस इन्फॉर्म किया जाता है कई बार अगर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन छिपाती है तो ये यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो कुछ एरिया भी आप लोगों को दिखाऊंगा, पहले डोकलाम सेक्टर में भी कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिली थी उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात यहां पर करेंगे। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोरोना वायरस की दवाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो दवाई आने वाले टाइम में आएगी उसमें आते आते टाइम लग जाएगा और फिर उसके बाद में अनलॉक के बारे में बात कर रहे हैं। अनलॉक फेज अगर चल रहा है तो बहुत सारा वनरेबल सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में फोकस देकर चलना चाहिए गवर्नमेंट को कि इस सेक्शन को कैसे टैकल करके चल रहे हैं, क्योंकि अगर वनरेबल सेक्शन पर फोकस नहीं दिया जाएगा तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। इकोनॉमी को भी फोकस देकर चलना चाहिए, वनरेबल सेक्शन का मतलब होता है कि जो काफी दयनीय कंडीशन में रहते हैं सोसाइटी में, उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए, तो सारा एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर गवर्नमेंट को चलनी पड़ेगी। तो वही बातें यहां पर रिपीट की जा रही है। यहां पर ये वाला आर्टिकल और जो ये वाला आर्टिकल है ये जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों आर्टिकल को कंबाइन कर यहां पर डिस्कस करेंगे। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बारे में बात की जा रही है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों से बताऊंगा क्योंकि आप लोग क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिले जो इकोनॉमी के क्वेश्चन थे और उसमें आप लोगों को पॉलिटी के आर्टिकल वगैरह भी देखने को मिल रहे थे, यानी कि मिक्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं यहां पर इकोनॉमी प्लस पॉलिटी। ठीक है, ऐसे ही ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर, करंट अफेयर तो बेस बन जाता है हर एक एग्जाम के लिए, करंट अफेयर आप लोगों का पैरेलल में तैयार होना चाहिए, डायरेक्ट हो सकता है करंट अफेयर क्वेश्चन नए देखने को मिले, पर लेकिन जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया यहां पर ये क्वेश्चन कहने के लिए तो ये क्या है, ये क्वेश्चन एक स्टडी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहने के लिए तो क्या है कि हाँ मैप बेस्ड क्वेश्चन है, पर लेकिन करंट अफेयर क्वेश्चन है क्योंकि करंट में था यहां पर न्यूज में है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आप लोगों से यहां पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, कहने के लिए G20 का क्वेश्चन है, हाँ भैया एक स्टडी पोर्शन से पूछा गया है, पर लेकिन G20 कितनी बार न्यूज में रहती है, तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप लोग कम से कम ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में, अगर ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं तो आप लोग आउट ऑफ द रेस हो जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप लोगों को पैरेलल में अच्छे से लेकर चलनी है। ठीक है, साइड वाला आर्टिकल इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के बारे में बात करें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट जिनको हम लोग नजर डालेंगे। इसी के साथ में यहां पर ये जो साइड वाला आर्टिकल है ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चाइल्ड्स के बारे में बात की जा रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में समझेंगे, बच्चों की देखरेख कैसे की जा रही है वो भी हम लोग यहां पर जानेंगे। ये आर्टिकल फिर से लैंग्वेज के बारे में बात करें, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, तो यहीं पर थोड़ा सा बता देता हूं, हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, हालांकि उसके बारे में इसमें बात नहीं की गई है। ठीक है, एक तो आप लोगों को जो देखने को मिली यहां पर 1968 में थी, ठीक है, एक थी यहां पर 1986 में थी और एक अभी यहां पर 2020 में आप लोगों को देखने को मिली। ठीक है, इसके ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूं, उसको सर्च कर लीजिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय वीर, तो कंफ्यूजन आप लोगों के सारे खत्म हो जाएंगे।
अभी यहां पर बात क्या की जा रही है, अभी यहां पर बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में इंग्लिश को काफी लार्ज स्केल पर इग्नोर किया जाता है, खासकर जो हिंदी डोमिनेटेड एरिया है वहां पर इंग्लिश को बोलते हैं कि इंग्लिश को हम लोग को लेकर नहीं चलना है, इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। पर लेकिन अगर आज के डेट में आप लोग बात करें मैक्सिमम एरिया में हमारी कंट्री में, जैसे कल आप लोग यूपीएससी का पेपर भी देकर आए, तो वहां पर दो लैंग्वेज में पेपर मेनली आप लोग को देखने को मिला जो नॉर्मल तरीके से इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि इंग्लिश को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज के सिनेरियो में अगर इंग्लिश को आप लोग इग्नोर करके चलोगे तो काफी पीछे छूट जाओगे। तो आज की डेट में आप लोग को इंग्लिश को साथ में लेकर चलना ही चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इंग्लिश को आप लोग नेशनल लैंग्वेज के तौर पर आप लोग अगर माने चाहे ना माने, पर लेकिन जनता काफी लार्ज स्केल पर इंग्लिश हमारी कंट्री में बोलती है, समझती है, और इसी के साथ में स्कूल में इसको पढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोग इसको अडेप्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आते हैं वो भी आप लोग को देखने को मिलते हैं, तो फिर इंग्लिश को लेकर इतनी अपोजिशन क्यों? तो इंग्लिश को लेकर अपोजिशन नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से साउथ इंडिया पे आप लोग हिंदी इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ना आप लोग जो लैंग्वेज उनको पसंद आती है, जो लैंग्वेज उनको लाइफ में प्रोडक्टिव बनाती है, वो लैंग्वेज उनको अडेप्ट करने में हेल्प करें, ना कि उसके अपोजिट में जाकर आप लोग काम करें। तो ये बातें यहां पर बोली गई है, ठीक है। ये यहां पर अभी यहां पर कार्टून देखेंगे और यह है डेटा पॉइंट, इसके ऊपर भी नजर डालेंगे, ठीक है। तो ये यहां पर पूरा आर्टिकल रहने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ में, देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्या है, ये आप लोगों के सामने कार्टून, कार्टून में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। दीपिका को लेकर काफी सारी न्यूज अभी चल रही है, ड्रग्स एडिक्शन को लेकर, ठीक है। तो आप लोगों यहां पर इस पिक्चर को देखकर 40 से 50 शब्द आप लोगों को लिखने हैं, इससे आप लोगों को आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्या होता है बेसिकली, देखिए जब आप लोग चीजों को देखते हो ना और उनको एनालाइज करके लिखना स्टार्ट करते हो, तो आप लोगों की एक तरीके से सोचने समझने की पावर बढ़ती है। तो आप लोग इसको अगर अभी आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ये चीजें आप लोग इसके ऊपर लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग थोड़ा सा उन्हें कहते हैं कि एक समसोच समझ आप लोग स्टार्ट हो जाए किसी चीज के बारे में लिखना कैसे है। तो वो बेसिक मेरा पर्पज यहां पर इसको लेकर रहता है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है, हालांकि आर्टिकल में पॉलिटिक्स ज्यादा देखने को मिल रही है, पर कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आप लोगों से यहां पर बात करूंगा। अभी जो बात की जा रही है एक स्टेटमेंट के बारे में, 2017 में एक स्टेटमेंट आई थी हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी के द्वारा, उनके द्वारा बोला गया था कि लगभग 73 दिन का डोकलाम स्टैंड ऑफ देखने को मिला चाइना का, यानी कि चाइना और जो इंडिया थे वो आमने सामने खड़े थे डोकलाम वाले एरिया में। डोकलाम वाला एरिया कहां पर है, ये काफी इंपोर्टेंट था, इसके ऊपर भी पास्ट में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये अपनी प्यारी कंट्री में अगर आप लोग देखेगा, ये हो गया बिहार, ये हो गया सिक्किम, ठीक है। इधर आप लोग आएंगे तो ये हो गया आप लोगों का मेघालय, आसाम वगैरह वाला एरिया यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको बोला जाता है, ठीक है, चिकन नेक के नाम से भी जिसको आप लोग जानते हैं। थोड़ा सा अगर दूसरे मैप पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं तो यहां पर आप लोग देखते हैं, ये हो गया सिक्किम, ये हो गया भूटान, इसके बीच में यहां पर एक पॉइंट है जिसको ट्राई जंक्शन भी आप लोग बोलते हैं, और यहां पर ये एक वैली भी है जिसका नाम आप लोगों को याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ये चुम्बे, CHUMBI, तो चुम्बे वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सिक्किम चाइना और भूटान, यानी कि इंडिया चाइना और भूटान का एक ट्राई लेटरल जंक्शन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, इनके ट्राई जंक्शन है यहां पर, तीनों कंट्री आकर मिलती हैं। तो ये चुम्बई जो वैली है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें, यहां पर ये पर्टिकुलर रीजन जहां पर झड़प देखने को मिली थी डोकलाम वाला रीजन, तो ये भी आप लोग यहां पर याद रखेगा। तो हुआ क्या था, यहां पर जो चाइना है वो अपनी फोर्स को लेकर यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा था, इंडिया जाकर इसके अपोजिट में खड़ा हो गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप लोगों से यहां पर एक और पूछा जाए, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे, तो देखिए अभी फिलहाल ये डोकलाम वाले सेक्टर में देखने को मिला था हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिस्टर जयशंकर साहब के द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी कि जो चाइना है वो यहां पर अलग तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं। वो क्या चाह रहा है बेसिकली, वो जो प्रेजेंट लेवल पर जो बाउंड्रीज हैं उनको चेंज करना चाह रहा है, यानी कि एक तरीके से चाइना जो है एक तरीके से जो अपनी बाउंड्रीज हैं उनके थ्रू चेंज करना चाह रहा है, और कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अटेम्प्ट कर रहा है ऑल्टर करने के लिए जो स्टेटस को, यानी कि जो यथास्थिति बनी हुई है उसको ऑल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं भूटान के बॉर्डर पर। और आप लोगों को याद होगा अगर थोड़े लंबे समय से आप लोग चीजों को फॉलो कर रहे हैं, एक तो भूटान का ये वाला एरिया चाइना कंट्रोल में रहता है और एक यहां को कोई एरिया चाइना का कंट्रोल में रहता है। तो चाइना ये बोलता है कि ये एरिया तो तुम रख लो, ये एरिया मुझे दे दो, यानी कि बार्गेनिंग करता है, जैसे हमारे साथ में बार्गेनिंग करता है ना चाइना। कई बार क्या बोलते हैं, चाइना हम लोगों को बोलता है कि ये जो अक्साई चीन वाला रीजन है, एक तो ये वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, और दूसरा यहां पर तो बोलता है कई बार अरुणाचल प्रदेश आप लोग लीजिए, अक्साई चीन आप लोग मुझे दे दीजिए। तो इस तरीके कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये जो बार्गेनिंग चाइना करता है यहां से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो पहले यहां पर बोला गया था कि ये चीजों को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और नॉर्मली ये जो चीजें थी यहां पर ये क्या करता है, बैकग्राउंड में अनफोर्स रखता है और अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, यानी कि अपनी फोर्सेज ले जाकर वहां पर खड़ा कर देता है। अब सेम काइंड ऑफ कंडीशन आप लोगों को 3 साल बाद ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देखने को मिल रही है लद्दाख वाले रीजन में। 5 महीने से सेम सिचुएशन यहां पर बनी हुई है। तो जो जयशंकर साहब की जो स्टेटमेंट वहां पर आई थी उस टाइम पर,
आज के डेट में फिर से कुछ ऐसा इशू हमारी कंट्री के लिए देखने को मिल रहा है। तो डोमेस्टिक और पॉलिटिकल इशू अगर आप लोग यहां पर समझिए, ठीक है, तो ये काफी लंबे समय से यहां पर चला हुआ रहा है। अब इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। देखिए गवर्नमेंट जो है ना आज की डेट में क्या करती है, वो जनता के सामने जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं लेकर आती है। यानी कि अगर उनको लगता है कि हाँ जनता इससे गुस्सा हो जाएगी तो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर आती है और आर्म फोर्स का यूज कर कई बार अपने पत्ते खेलने की कोशिश करती है। तो ये गलत तरीका है। नॉर्मली हमारी कंट्री में जो आर्मी है वो एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, पर लेकिन हमारी कंट्री में कई बार पॉलिटिक्स एक तरीके से यहां पर घुस जाती है और उस टाइम पर जो सिविल मिलिट्री रिलेशन है उसकी थ्योरी जो है बेसिकली दोनों के बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यहां पर कई बार इसको गलत तरीके से मिसयूज करती हुई नजर आती है। और इसी के साथ में देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर यहां पर आप लोगों को कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, ठीक है, तो क्या होगा, उससे होगा कि उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे जब तक यूपीएससी की आंसर की नहीं आ जाती है तब तक कई सारी आंसर की आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगी, पर इसमें से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को गलत भी नजर आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो जो पर्सन है वो पर्टिकुलर वो उसको किसी और तरीके से देख रहा हो और यूपीएससी उसको किसी और नजरिए से देखकर आंसर दे, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो अगर यूपीएससी ऐसा करे, जैसे यहां पर प्रीलिम्स होता है उसके एक दो दिन बाद ही अगर वो आंसर की दे दे, तो फिर जो ये आंसर की रहती है इनका ज्यादा लंबे समय तक कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, जल्दी से आप लोगों को एक क्लियर आंसर की मिल जाएगी। पर लेकिन यूपीएससी क्या करते हैं, जब पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाता है उसके बाद में अपनी आंसर की देते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप लोगों को प्रॉपर वे में स्टार्टिंग में ही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, आप लोग इधर-उधर से देखकर कॉपी किसी ने इधर-उधर से देखकर कीज वगैरह अपने आंसर आप लोग चेक करते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे आंसर होंगे जो आप लोगों के सही है उन्होंने गलत बता रखे हैं और आप लोगों के गलत है उन्होंने सही बता रखे हैं, तो इससे मिसमैच देखने को मिल जाता है। तो अगर यूपीएससी डायरेक्ट आंसर की दे दे तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो वही बात यहां पर बोली गई है, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है वैसे तो मन की बात करते हैं और भी कई सारी बातें करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं, पर लेकिन रियलिटी में जो इन्फॉर्मेशन जनता को मिलनी चाहिए टाइम टू टाइम उस पर चुप्पी साध लेते हैं। तो यहां पर जो साइलेंट है, एक तरीके का जो साइलेंट मोड इनका रहता है बॉर्डर क्राइसिस को लेकर, वो काफी गलत माहौल क्रिएट कर देता है कंट्री के अंदर, तो उसको चेंज करने की काफी ज्यादा जरूरी है। इनके द्वारा कई बार गलत स्टेटमेंट भी बोली गई, जैसे कि इनके द्वारा बोला गया 19 जून में, यहां पर राइटर बोल रहे हैं कि चाइना बॉर्डर का जब इश्यू चल रहा था तो 19 जून को काफी लार्ज स्केल पर चीजें बढ़ी हुई थी, तो इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में यहां पर ये स्टेटमेंट बोली, ना कोई एक तरीके से वहां हमारी सीमा के अंदर है कोई घुसकर आया है, ठीक है, एक तरीके से, और ना ही हमारी कोई ऐसी पोस्ट है जहां पर कोई दूसरा आकर यहां पर रह रहा है। एक तरीके से बोला गया कि हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर कोई भी नहीं आया हुआ है, ये हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट निकल कर आई, ठीक है। फिर इसके कुछ ही टाइम बाद में जब यहां पर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ तो फिर इनके द्वारा स्टेटमेंट जो थी, यहां जो इनके सपोर्ट में रहते हैं जो भी मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट के ऑफिशियल रहते हैं, उनके द्वारा बोला गया कि हां ऐसा कुछ नहीं था, ये स्टेटमेंट गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन की गई है, जबकि खुद प्राइम मिनिस्टर के ये बोल थे। उसके सबसे इंटरेस्टिंग बात वहां पर देखने को ये मिली कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल है, यानी कि होम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, इनकी सबकी स्टेटमेंट भी आप लोगों को अलग अलग नजर आएगी। तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि जब तक गवर्नमेंट जो है एक सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराएगी तो जनता के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन रहेगी और वो मिस इन्फॉर्मेशन काफी गलत माहौल क्रिएट कर देती है। इवन हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अपनी किताब का जब प्रचार किया जा रहा था वहां पर भी उनसे क्वेश्चन पूछे गए तो उन्होंने इस बॉर्डर क्राइसिस को लेकर जो भी क्वेश्चन थे उनको इग्नोर करने की कोशिश की, उसके ऊपर कोई ज्यादा बातें नहीं की, कुछ ज्यादा बोले नहीं उसके बारे में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट किताब है जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है, द इंडिया वे, यानी कि इंडिया का जो वे है, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, यानी कि जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है वर्ल्ड में आज के डेट में। अभी आप लोगों को पता है कि नवंबर के महीने में जो यूएसए के इलेक्शन होंगे तो वहां से कई सारी चीजें चेंज होती है आप लोगों को नजर आएगी, तो और ज्यादा पैटर्न चेंज होगा। उसके बाद में देखते हैं चाइना का क्या रवैया रहता है, तो इस टाइम पर यहां पर इस तरह की किताब जो निकल कर आती है एक इंपॉर्टेंट बुक आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है, देखिए अगर ऑथोरिटिव इंफॉर्मेशन अगर जनता को नहीं मिल पा रही है तो फिर मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैल जाती है। यानी कि जिस तरीके से अगर बात करें ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो खुद आकर जनता से बात करते हैं, मोस्ट सेंसिटिव इशू जो है उनके ऊपर डाल दिया जाता है और आंसर देने वही आते हैं, उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी रहती है लोगों के लिए। पर हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता है, हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर और सब बोल बच्चनगिरी करते हैं, तो इसलिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं जनता कि आखिर असली हक क्या, असली हकीकत क्या है, वो सामने निकल कर नहीं आती है। अभी एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में बन सकता है, हमारी कंट्री में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है,
ये हाईएस्ट अथॉरिटी है हमारी कंट्री में जो कि नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करती है। कौन सी है? ये कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। तो कैबिनेट कंट्री जो ये है यहाँ पर हमारी कंट्री में आज की डेट में ये भी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है, कोई इश्यू डिस्कस नहीं किया पिछले 5 महीने से जब से यहाँ पर ये इश्यू आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जबकि हाईएस्ट अथॉरिटी बोला गया कंट्री में जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। तो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी भी यहाँ पर जिसको काम करना चाहिए प्रॉपर वे में वो भी ठंडे बस्ते में यहाँ पर पड़ी हुई है। और जबकि अगर बात करें प्रीवियस जब यहाँ पर एनडीए की गवर्नमेंट थी यहाँ पर अटल बिहारी जी के अंडर में, तो उस टाइम पर जब यहाँ पर इनके द्वारा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट यहाँ पर बनी हुई थी, तो उनके बारे में जब हम लोग बात करें तो यहाँ पर कारगिल जब वॉर हुई थी 1999 में, ठीक है, तो उसको लेकर यहाँ पर मीडिया में क्वेश्चन पूछे गए तो आंसर यहाँ पर दिया गया। एक तरीके से इनके द्वारा भी यहाँ पर बातें की जाती थी, जनता को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती थी, पर लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इन सब चीजों से बचती है। इवन यहाँ पर पार्लियामेंट में भी अगर क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं तो ये बोलते हैं कि सेंसेटिव ऑपरेशनल इश्यू है यहाँ पर, ये आप लोग इनको डिस्कस नहीं कर सकते, ये इस तरीके से पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकते हैं। यानी कि ये बोलते हैं यहाँ पर कि जनता के सामने हम लोग इनको डिस्कस ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग कुछ अच्छा करते तो तब डिस्कस करते ना। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जब वो मुद्दे चल रहे थे हमारे पायलट वहां पर एक तरीके से गए और फिर उनको निकाल कर लेकर आया गया, सारे पॉलिटिशियन ने आकर अपना बखान किया कि हम लोगों ने ऐसा कर दिया, हम लोगों ने वैसा कर दिया, पर लेकिन जब नेगेटिव साइड में चीजें जा रही होती है चाइना अब हमारे अंदर गुस्सा बैठा है वहां पर, तो उसके बारे में जनता को बताने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए ये चीजें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये गलत तरीका है कि एक तो आर्मी को पॉलिटिसाइज करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन जनता को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो इसके चलते क्या होता है, एक तो अनइन्फॉर्म रहती है जनता, उनके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जब यहां पर गैप है कि उनके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर कोई कुछ भी आकर बोलेगा तो फिर वो गैप भर जाएगा, तो फिर मिस इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलेगी, तो मिस इन्फॉर्म्ड लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो फिर फालतू की चीजें आप लोगों को अलग से नजर आएगी। बिल्कुल ऐसा फंडा बोला गया जब पाकिस्तान के द्वारा सरेंडर किया गया। आप लोगों को पता है 1971 में हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर जब इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम पर यहां पर पाकिस्तान से अलग कर जिसको आप लोग दो कंट्री का नाम उस टाइम पर दिया करते थे, आप लोग देखिए यहां पर स्टार्टिंग में जो पाकिस्तान था इसको आप लोग वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, ठीक है, और जो बांग्लादेश था इसको आप लोग ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो जो वेस्ट पाकिस्तान था इससे यहां पर छुड़ाया गया ईस्ट पाकिस्तान को, यानी कि बांग्लादेश को, और बांग्लादेश इंडिपेंडेंट होकर एक नई कंट्री बनकर आया 1971 में। तो जब ये नई कंट्री बनकर आया उस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर कई जो पाकिस्तान की जो फोर्स है बांग्लादेश के अंदर सरेंडर कर रही थी, तो उस टाइम पर जब इंडियन फोर्सेज के सामने सरेंडर कर रहे थे पाकिस्तान की मीडिया फेक न्यूज फैला रही थी कि हम जो है काफी शानदार तरीके से जीते हैं, यानी कि हमारी मिलिट्री जो है शानदार तरीके से जीत गई है। तो ये समझिए आप लोग, मतलब वो घुटने टेक चुके हैं, नाक रगड़ चुके हैं हमारे सामने, और पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि शानदार जीत हुई है। तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बता नहीं रही थी कि हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है वहां पर और हम लोग यहां पर इस कंडीशन में आ चुके हैं, तो इसलिए मीडिया जो है मजे ले रही थी वहां पर, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को यहां पर मिलेगी हमेशा। तो इस तरीके से यहां पर यही समझाने की कोशिश बेसिकली की जा रही है कि हम लोग को ये चीजें समझनी पड़ेगी कि डेमोक्रेटिक एक अकाउंटेबिलिटी होती है, उनको आप लोगों को समझना पड़ेगा, और एक तरीके से पॉलिटिकली प्रॉफिट के लिए जनता को एक तरीके से आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जनता को उससे अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो आप लोगों की इंसल्ट होगी, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, वरना इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखते हैं, देखिए गालवान वैली, ठीक है, गालवान वैली के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया था, ये है वो यहां पर जो सियाचिन ग्लेशियर जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ये यहां पर एक्साइज चीन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा रीजन आप लोगों से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो जो भी रीजन इतना लार्ज स्केल पर यूज में है तो याद रखना उसका बैकग्राउंड क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी कल जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो उसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये मैपेज क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिएगा। और देखिए हिस्ट्री की भी कई सारी टर्म्स आप लोगों को देखने को मिली, तो मैं सोच रहा था कि आने वाले टाइम में कुछ आप लोगों की जो टर्म्स होती है ना उसको भी इंक्लूड किया जाए, ताकि आप लोगों का कुछ जो ऐसा पोर्शन होता है नहीं होता है जैसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो पुराने क्वेश्चन पेपर से उठा के मैं कोशिश करूंगा डिस्कस करूं आप लोगों से ये चीजें, ठीक है। तो देखते हैं जब भी टाइम मिलता रहेगा हम लोग इसको कवर करते रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर बात करें ये बात करें जीएसटी के बारे में। जीएसटी हमारी कंट्री में एक टैक्स है जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारी कंट्री में एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जब आप लोग डायरेक्ट यहां पर गवर्नमेंट को पे ना करके आप लोग मान लीजिए कोई पेन खरीद कर लेकर आए, तो पेन आप लोगों ने खरीदा तो पेन की नेचुरल वैल्यू जो होगी वो लगभग 5 रुपए होगी, पर आप लोग उसके 10 रुपए या फिर 12 रुपए देकर आए, तो इसका मतलब आप लोगों को और भी ऊपर से वहां पर पैसा उसमें टैक्स वैक्स इंक्लूड कर लिया जा रहा है। तो जीएसटी इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट तक पहुंचता है, इनकम टैक्स डायरेक्ट वे में गवर्नमेंट तक पहुंचता है, पहली बात तो ये। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहां पर याद रखनी है, देखिए हमारी कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जीएसटी के बारे में अगर बात करें ये कैसा है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स के बारे में बात करें ये कैसा है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप लोग जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है।
अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है, अगर कोई एक अच्छी खासी सोसाइटी है, वेलफेयर वाली सोसाइटी है, तो वहां कौन सा टैक्स ज्यादा होगा? आप लोग बताइए इसको यहां पर पोज कर वीडियो को, कौन सा टैक्स ज्यादा होगा? जीएसटी जैसे कि यहां पर हम लोग बात करें, अगर कोई वेलफेयर सोसाइटी होगी तो वहां पर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा या फिर डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, और क्यों होगा ये भी आप लोग बताइए वीडियो को पॉज करके, फिर आप लोग आगे देखिएगा, समझिएगा। इसको पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर आप लोग इसको समझेंगे तो आप लोग के माइंड में और ज्यादा क्लैरिटी लेकर आएगी। इनडायरेक्ट टैक्स जब आप लोग पे करते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने कोई एक पेन खरीदा, वही पेन मैंने खरीदा, वही पेन आप लोगों ने खरीदा, वही पेन हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने खरीदा, वही पेन अंबानी ने खरीदा, तो ये पेन जो है सबको इसका इक्वल मूल्य पे करना पड़ेगा, जो भी इसका है 10 से 12 रुपए। तो ये यहां पर एक तरीके से रिग्रेसिव टैक्स हो गया, यानी कि अमीर और गरीब को एक ही कैटेगरी में रखता है ये टैक्स, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स आप लोग बोलते हैं, तो इसीलिए इसको रिग्रेसिव टैक्स भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जब आप लोग यहां पर ये देखते हैं कि हाँ भैया अमीर पर तो ज्यादा लग रहा है और गरीबों पर कम लग रहा है, यानी कि आप लोगों की सैलरी जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी इनडायरेक्ट टैक्स आप वो डायरेक्ट टैक्स आप लोगों को उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा, तो इसलिए यहां पर ये एक तरीका प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि अमीरों पर ज्यादा लगता है, गरीबों पर कम लगता है, जो ज्यादा टैक्स नहीं पे कर पाते उनके कम टैक्स लिया जाए। तो इसलिए ज्यादातर जो भी अच्छी कंट्री है जहां पर वेलफेयर सोसाइटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट टैक्स ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑलरेडी आप लोगों के पास्ट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए माइंड में, ठीक है। आर्टिकल के अंदर नहीं था, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। आगे चलता हूं, यहां पर जो बात की जा रही है, बात की जा रही है कि गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स है हमारी कंट्री में एक वैल्यू, हाँ ये भी यहां पर जो इन्फॉर्मेशन है सारी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आर्टिकल के अंदर नहीं है, इससे क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो यहां पर जो बात की जा रही है, बात की जा रही है कि जो वैल्यू एडिड टैक्स है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जीएसटी, यानी कि जितनी वैल्यू आप लोग ऐड करते चले जाते हैं एक तरीका वो टैक्स लगता चला जाता है, ठीक है। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी आप लोगों के पास में, मान लीजिए गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने एक गाड़ी का ढांचा तैयार किया, फिर उसमें टायर जोड़ दिया तो टायर के ऊपर अलग से टैक्स लगा होगा, हैंडल जोड़ दिया, प्लास्टिक की गद्दियां लेकर आए, प्लास्टिक के कवर लेकर आए, हेडलाइट लेकर आए, बैटरी लेकर आए, तो अलग अलग टैक्स लगता चला जाता है अलग अलग चीजों के ऊपर, फिर कंबाइन होकर आप लोगों को पे करना पड़ता है। तो इसको वैल्यू जैसी ऐड हो रही है तो वैसे ही टैक्स लग रहा है, तो इसको वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं, ठीक है। जीएसटी ए वैल्यू एडिड टैक्स है जो मोस्ट गुड्स एंड सर्विस पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए लगाया जाता है, ये भी याद रखना, ऐसा नहीं है कि ये बाहर के लिए लगाया जा रहा है, ये डीएसटी जो है डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए लगाया जाता है। अगर आज की डेट में हमारी कंट्री में जीएसटी के बारे में बात करें तो जो भी गुड्स एंड सर्विस बेची जाती है उसके ऊपर लगाया जाता है। ये हमारी कंट्री में 2014 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया था, जो कि एक देखो 122वां बिल था, 122वां बिल था, पर लेकिन जब ये पास किया गया यहां पर ये 101वां अमेंडमेंट हुआ। बिल और अमेंडमेंट में डिफरेंस क्या हो जाता है, देखिए जब बिल होता है कई सारे बिल ऐसे भी होते हैं जो पास नहीं होते हैं, ठीक है, पर लेकिन जो अमेंडमेंट होने के बाद में जो एक्ट बनता है वो तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, पास होने के बाद में बनेगा। तो बिल कई सारे ऐसे ही पड़े रहते हैं पेंडिंग, ठीक है, अब तक वुमेन रिजर्वेशन का बिल जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। कई सारे ऐसे आप लोगों के बिल आते हैं जो पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो यहां पर यही बात की जा रही है कि आज की डेट में हमारी कंट्री में 122वां बिल था और 101वां संविधान में संशोधन किया गया था, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैं इसलिए बोलता हूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर पढ़ा कीजिए, डीपीएसपी के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, कहीं पर लिख दिया डीपीएसपी डायरेक्ट लिखकर क्वेश्चन पूछ लिया, कहीं पर पूछा कि पार्ट फोर क्या जुडिशियल है इन नेचर में, तो आप लोगों से डीपीएसपी नहीं लिखा, पार्ट फोर पूछ लिया, तो मतलब तो वही है ना, डीपीएसपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों को पता हो कि हाँ भैया ये चुन्नू मुन्नू है, इसका असली नाम दीपेंद्र या फिर नरेंद्र या फिर सुरेंद्र है, ठीक है, तो तब आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो इसलिए सारी चीजें आप लोग याद रखिए, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। आर्टिकल अगर बात करूं यहां पर 279A के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 279A जो है ये जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है, ठीक है, ये फॉर्म की जाती है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए और गवर्न करने के लिए जीएसटी को। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर आर्टिकल 279A, जब किसी भी आर्टिकल के सामने कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है ए बी सी डी, तो इसका मतलब यह कि वो अमेंडमेंट करके संविधान में संशोधन करके उसको एड किया गया है। हमारी कंट्री में अगर फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में आप लोग बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा जा चुका है ऑलरेडी आप लोगों से, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। तो इस तरीके प्रीलिम्स में सॉरी एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए आप लोग यूपीएससी की अगर तैयारी करते हैं तो यूपीएससी के कई सारे पेपर होते हैं, जैसे कि एनडीए का पेपर हो गया, ठीक है, सीडीएस का पेपर हो गया, सीएपीएफ का पेपर हो गया, अभी ईपीएफओ का पेपर आने वाला है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब पेपर है, कई सारे और भी पेपर होते हैं, इनके सबके जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं वो आप लोग जरूर तैयार किया कीजिए, क्योंकि मुझे याद है
जब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर में देख रहा था उसमें क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आगे चल के सीएपीएफ में पूछ लिया गया। सीएपीएफ का जो क्वेश्चन था वो आगे चलकर कई सारे पेपर मैंने देखे, एनडीओ स्टेडियस में वो क्वेश्चन पूछे जा चुके थे ऑलरेडी। अभी असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें तो आप लोगों से जो क्वेश्चन बनता है उसमें कई सारे रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो यूपीएससी के द्वारा दूसरे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर यहां पर बात की जाए जो ईपीएफओ का पेपर आने वाला है उसके लिए भी आप लोग यहां पर तैयारी कर सकते हैं। जैसे सीडीएस में जो इंग्लिश पूछी जाती है एनडीए के पेपर में वो चीजें पूछी जाती है, वो ईपीएफओ के लिए आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो सारे पेपर जो यूपीएससी के हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए। जब वो सारे पेपर आप लोग प्रैक्टिस हो जाएं तब जाकर मार्केट में किसी टेस्ट सीरीज के पीछे भागिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि टेस्ट सीरीज कोई भी आप लोग मार्केट से उठा लीजिए यूपीएससी के लेवल की आप लोग कभी नहीं देखने को मिलेगी। यूपीएससी जिस लेवल पे जाकर पेपर को सेट करता है वो आप लोगों ने फील भी किया होगा। तो इसलिए कोशिश यही करनी है कि सबसे पहले आप लोगों अपनी टेस्ट सीरीज को बाद में लगाइएगा, जब आप लोग ये सारी चीजें कवर कर लिए तब टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, उससे पहले नहीं। आप लोग क्या करते हैं पहले टेस्ट सीरीज लेकर बैठ जाते हैं, तो ये गलत तरीका आप लोगों को देखने को मिलता है नॉर्मली। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई, अभी थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल में क्या बात की जा रही है कि जो जीएसटी का कलेक्शन है अभी हमारी कंट्री में ये 95,480 करोड़ के करीब देखने को मिला। अच्छी बात है, वरना पास्ट में काफी ज्यादा गिर गया था। जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं अगर जीएसटी कलेक्शन के बारे में बात करें 2019-20 का और 2020-21 का अप्रैल मई और जून की बात करें यहां पर, तो आप लोगों को पता है अप्रैल में क्या कंडीशन देखने को मिली, लॉकडाउन चल रहा था लार्ज स्केल पर, मई में थोड़ा बढ़ा, जून में थोड़ा बढ़ा, अब यहां पर हम लोग सितंबर के महीने की बात कर रहे हैं तो उसमें अच्छा खासा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक सही डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि हाँ मार्केट जो है वो पैटर्न में आ रही है आराम आराम से, तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। अगर नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूं लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन के बारे में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर एक तरीके से कि आज की डेट में जिस तरीके से लॉकडाउन की जो रिस्ट्रिक्शन है वो ईज हो रही है। पहले लॉकडाउन था, अब यहां पर अनलॉक किया जा रहा है, तो अनलॉक फेज यहां पर आप लोगों को अक्टूबर में भी और ज्यादा स्टार्ट कर दिया गया है। उसके बारे में यहां पर बेसिकली अनलॉक फेज के बारे में भी जैसे पहला मैंने आर्टिकल बताया था ना उसमें, तो उसमें कई सारी बातें यहां पर ये बोल रखी थी। जैसे अनलॉक फेज अभी स्टार्ट किया जा रहा है तो कई सारे सिनेमा ओपन किए जा रहे हैं, ठीक है, 50% कैपेसिटी के साथ में सिनेमा खोल सकते हैं, जिम वगैरह भी ओपन किए जा रहे हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट जो प्लेसेस ओपन किए जा रहे हैं। तो ये यहां पर कहीं ना कहीं जनता को अपनी सिक्योरिटी अपने आप रखनी पड़ेगी अब यहां पर, क्योंकि मेडिसिन तो कोई मार्केट में आई नहीं है पर लेकिन इनको ओपन करना इसलिए जरूरी माना जा रहा है क्योंकि देखिए अगर इनको ओपन नहीं किया जाएगा बहुत सारे लोग यहां पर जॉब इनके ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो कई सारे लोग वैसे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो एक पैटर्न में इकोनॉमी को लाना यहां पर ये जरूरी है। तो जनता को अपनी, जैसे कल आप लोग पेपर देने गए तो आप लोग के हाथ में सैनिटाइजर की बोतल मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिली होगी, ठीक है, तो सब एक इंसान अपनी सैनिटाइजर की बोतल और हर एक पर्सन जो है वो मास्क पहन के गया होगा, जैसे कि यूपीएससी ने एडमिट कार्ड में भी डायरेक्ट क्लियर किया था। तो ये सारी चीजें कहां से निकल कर आती है कि हाँ आप लोगों को अपनी देखभाल अब कर लेनी चाहिए क्योंकि चीजें सारी ओपन की जाएंगी इकोनॉमी को पैटर्न में लाने के लिए, ठीक है। तो इसी के चलते अभी बात की जा रही है कि हाई फ्रीक्वेंसी जो इंडिकेटर है जो कि ऑटोमोबाइल होलसेल और सर्वे के लिए यहां पर देखने को मिलता है नॉर्मली, जिसको बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेता हूं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं तो जो भी बता रहा हूं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल के अंदर नहीं है। वन सेकेंड, तो ये यहां पर बात की जा रही है, ये है बेसिकली परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में, जिसको पीएमआई के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो पीएमआई जो है यहां पर एक तरीका इंडिकेटर है जो हमारी कंट्री में बिजनेस एक्टिविटी के बारे में बात करता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के बारे में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैसी हो रही है, सर्विस सेक्टर कैसा चल रहा है। तो अगर इसका मतलब ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कि इंडेक्स उसी तरीके से परफॉर्म करेगा आप लोगों के लिए। तो ये इंडिकेटर जो है बेसिकली ये 0 से लेकर 100 के बीच में यहां पर काउंट करके चलता है, 0 से लेकर 100 के बीच में, यानी कि अगर अबव 50 यहां पर है तो इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमी है, ठीक है, तो प्रीवियस मंथ के कंपेयर में एक्सपेंड हो रही है, यानी कि बढ़ रही है इकोनॉमी जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर अंडर 50 है यहां पर ये, तो इसका मतलब कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, यानी कि इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है। अगर ये 50 पर है तो इसका मतलब कोई चेंज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये चीजें आप लोग समझिएगा किस तरीके से चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। ऐसे आप लोगों से स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट एक और बात यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जो इंडेक्स है ये मंथली बेसिस पर तैयार किया जाता है, ठीक है। जो तैयार करने वाला यहां पर इंस्टीट्यूशन है इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट, यानी कि आईएसएम जो है इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, ये यहां पर इस इंडेक्स को तैयार करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो इसके चलते यहां पर ये बोला जाता है कि अगर जो प्रीवियस मंथ हायर देन पीएमआई करंट मंथ है, यानी कि पहले मंथ में अगर पीएमआई ज्यादा है, इस मंथ में पीएमआई कम हो गया, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। सीधी सीधी बात है, पहले मंथ का पीएमआई ज्यादा है तो इसका मतलब पहले मंथ में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, अब कम हो गया तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों से पूछी जाती है। तो एवरी मंथ यहां पर रिलीज किया जाता है, किसके द्वारा, यह किया जाता है यहां पर इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट के द्वारा,
जिसको आप लोग ISM बोलते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। तो यहां पर ये जो इंडेक्स है ये भी यहां पर जो परफॉर्म कर रहा है, बोला जा रहा है कि सितंबर के महीने में इसको भी एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिली है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अगर बात करें हमारी कंट्री में मर्चेंडाइज ट्रेड डेटा के बारे में जो कॉमन मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर दिखाया जाता है, तो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है उनमें भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 43% पर पहुंच गए जो कि यहां पर सितंबर के महीने में 28% से, तो यहां पर भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी आप लोगों को देखने को मिल रही है। डेटा याद नहीं रखना है नॉर्मली ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, क्योंकि डेटा तो ये आते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो ये कोई नहीं आप लोगों से पूछ रहा है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखा कीजिए। अगर बात करें कंसर्न जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो ट्रेंड है जीएसटी का कलेक्शन का, तो उसकी जो एक तरीके से किस पैटर्न में वो रहता है, कभी तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, कभी काफी ज्यादा घट जाते हैं। तो ये कंडीशन जब चलती है तो इसका स्टेट के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया था कि देख भाई स्टेट, हम तुझे अगर कोई कमी आती है तेरा जो भी टैक्स कलेक्शन होता है उसमें अगर कोई भी कमी आती है तो हम तेरे टैक्स की भरपाई करेंगे। यानी कि एक तरीके से सेंटर जो स्टेट से बात करता है कि अगर तुम्हारा जीएसटी का कलेक्शन पूरा नहीं हो पाता है तो हम लोग जीएसटी को लेकर आ रहे हैं, तो हम लोग तुम्हारे जीएसटी के कलेक्शन की भरपाई करेंगे। तो ये बात है खुद यहां पर सेंटर ने स्टेट को बोली, पर लेकिन फिर क्या हुआ, ये जब टाइम आया जरूरत पड़ी यहां पर, तो ये एक तरीके से एक मूव फेर गए, बोला कि ये हमारे बस की अभी बात नहीं है, क्योंकि COVID-19 की वजह से सारी चीजें बर्बाद हो चुकी है। यानी कि जब स्टेट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करे तब इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो ये सोचने वाली बात है। अभी अगर बात करें निर्मला सीतारमन हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर, बजट 2020 जब इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया तो इन्होंने बोला 2020 में फरवरी के महीने में, तो इससे पहले पेंडेमिक से पहले यहां पर जब आप लोगों को चीजें देखने को मिल रही थी, तो ऐसा नहीं है कि कोरोना ने हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बर्बाद किया है, हमारी इकोनॉमी पहले से बर्बाद चल रही थी जैसा आप लोगों को पहले देखने को मिला था। वो तो ये अलग बात है कि शहर में ऊंट बदनाम वाली बात आप लोगों ने सुनी होगी, ठीक है। तो यही बात यहां पर हो गई, तो कोरोना को बदनाम कर दिया, बेसिकली इकोनॉमी तो पहले से ही बर्बाद हो रही थी। तो ये हम लोगों को चीजें समझनी पड़ेगी किस तरीके से कंडीशन चल रही थी। जीएसटी काउंसिल जो है वो आज मिलने वाली है, तो देखते हैं वो किस तरीके चीजों का सोल्यूशन निकालेगी। जो जीएसटी कंपनसेशन राज्य को दिया जाना था जो नहीं दिया जा रहा है, तो उसके चलते क्या हो रहा है, एक संघवाद का ढांचा जो होता है जिसको आप लोग फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो फिस्कल फेडरलिज्म यानी कि जो पैसों से रिलेटेड जो बातें होती है उसके बारे में बात करें और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात करें, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि क्या स्टेट को सेंटर के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये तो बार बार नाट जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम लोग भैया इसको लेकर नहीं चलेंगे, मना कर दे रहे इस चीज को लेकर। तो ये काफी सारा सोचने के लिए मजबूर कर रहा है आज की डेट में कि किस पैटर्न में चीजों को लेकर चलना चाहिए। जीएसटी कलेक्शन ऊपर नीचे हो रहा है, तो सेंटर वैसे अगर अच्छा खासा कलेक्शन कर रहे हैं, सेस के थ्रू हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो यहां पर उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, उसको भी सेंटर स्टेट को साथ में शेयर नहीं कर रहा है। 2017 में सेंटर के द्वारा प्रॉमिस किया गया था स्टेट को कि भैया अगर कोई ऐसी गड़बड़ होती है, तुम्हारा जीएसटी अगर कम आता है यहां पर, तो हम लोग उसकी भरपाई करेंगे 2022 तक, पर लेकिन इन्होंने तो 2020 में हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। तो प्रॉमिस जो किया था यहां पर एक तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म संघवाद का ढांचा बनाने की, वो यहां पर अभी नजर नहीं आ रहा है, तो फिर से ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होगी तो उसमें देखते हैं क्या सोल्यूशन यहां पर निकल कर आता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कैसे इंप्लीमेंट यहां पर किया जाता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट मीटिंग अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली है। बाकी अगर इंपॉर्टेंट बात यहां पर करूं तो ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था, रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें बोला गया कि सेंटर के द्वारा जो सेस कलेक्शन किया जाता है, सेस क्या होता है, सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, पर लेकिन जब सेस की हम लोग बात करते हैं तो सेस होता है एक तरीके से पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाना, जैसे एजुकेशन सेस लगाते हैं आप लोग, ठीक है, इसी के साथ में एनवायरमेंट सेस लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेस लगा दिया, जीएसटी कि यहां पर कंपनसेशन के लिए सेस लगा दिया जो स्टेट को जाता है, तो सेस पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है, तो वो भी यहां पर मिस एलोकेशन की बात की जा रही है, यहां पर राज्य को नहीं मिल रहा है लगभग 3 लाख करोड़ जो मिलना चाहिए था नॉर्मली, तो वो शेयर टैक्स भी यहां पर अभी राज्य के साथ में शेयर नहीं किया जा रहा है। तो सेंटर जो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक धोखेबाज हो रहा है, यानी कि डिसऑनेस्ट हो रहा है यहां पर स्टेट के साथ में, जिस तरीके से ट्रस्ट जो डेफिसिट है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर ऐसी हरकतें चलती रही तो फिर कहां से यहां पर स्टेट जो है वो सेंटर के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे, वो और ज्यादा घटता चला जाएगा। तो यही बात यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। कोई भी कंफ्यूजन अगर रहता है तो आप लोग बताइए, ठीक है, तो यस या फिर नो लिखकर आप लोग बता सकते हैं कि कैसा रहा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात करें एक पर्टिकुलर कमीशन के बारे में जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब चाइल्ड राइट के बारे में बनता है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले आप लोग समझ लीजिए। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट NCPCR जो है ये 2007 में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, कमीशन जो है यहां पर ये प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एक्ट जो 2005 का था उसके हिसाब से इसको स्टेब्लिश किया गया था। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि ये काम क्या करते हैं, काम करते हैं कि लॉ बनाना, बच्चों के लिए पॉलिसीज प्रोग्राम बनाना, एडमिनिस्ट्रेट करना है, कोई ऐसी चीज आती है बच्चों के राइट के बारे में बात करना, और इसी के साथ में जो यूनाइटेड नेशन का जो चाइल्ड जो राइट ऑफ चाइल्ड के बारे में बात करते हैं तो उसके हिसाब से चीजों को इंप्लीमेंट करना। देखिए यूएन जो है एक इंटरनेशनल बॉडी है, वो क्या करती है, हर एक मुद्दे के बारे में बात करती है, उसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन फ्रेम कर देती है। तो फिर सारी कंट्री उसमें से देख देख के जो भी उनके कंट्री के लिए सुटेबल लगता है उसको अपनी कंट्री में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा आपकी बार, आप लोगों ने देखा होगा यहां पर ह्यूमन राइट के बारे में जब बात की जा रही थी उस क्वेश्चन में, तो इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो यहां पर भी आगे चलकर हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से कि क्या इसको इंक्लूड किया जाता है। तो फंक्शन किसके अंडर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर फंक्शन करता है। कौन है आज के डेट में मिनिस्टर, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग जाकर इसको सर्च कर लीजिएगा। तो बेसिक पर्पज यहां पर यह रहता है कि बच्चों को किस तरीके से टैकल करके चलना है, और जब बच्चे यहां पर बोला जा रहा है तो इसका मतलब होता है 18 साल से नीचे के बच्चे। ठीक है, कोई रेस को लेकर, नेशनल ओरिजिन को लेकर, कलर को लेकर, जेंडर को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, रिलीजन को लेकर, ओपिनियन, ओरिजिन, वेल्थ या फिर ये सारी चीजों को लेकर बच्चों के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि एक तरीके से बच्चों को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है इस पर्टिकुलर कमीशन के द्वारा। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी सारी आर्टिकल के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। अब यहां पर बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल के बारे में जब बात करूं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में, तो यहां पर बेसिकली ये अपहोल्ड करने की कोशिश करता है, मॉनिटर करने की कोशिश करता है और फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है जो बच्चे के राइट होते हैं। यानी कि अगर उनके राइट के बारे में कुछ गलत काम हो रहा है तो उसको एक तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर अभी क्या किया जा रहा है, कमीशन मिसगाइडेड, यानी कि कमीशन जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ये बात यहां पर बोली गई है। तो नेशनल जो कमीशन है जो एक तरीके से पर्टिकुलर यहां पर बच्चों के लिए था बेसिकली, पर लेकिन उनके लिए ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बोला गया है कि जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है जो कि NCPCR यहां पर एक तरीके से मॉनिटर करता है। हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं जहां पर चाइल्ड केयर होती है, बच्चों को रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अपने घर में फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उसके माँ बाप उसकी पिटाई कर रहे हैं, या फिर माँ बाप सोतेले हैं, बच्चों के साथ में कुछ अलग तरीका व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, तो कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, कई सारे बच्चों के माँ बाप की डेथ हो जाती है, वो तब कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं जिसको बेसिकली यहां पर जो काम करता है ये करता है NCPCR जो है यहां पर ये इनको ओवरव्यू करने का काम करता है, ऑडिट करता है इनका, और ये यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं ये कैरी आउट किया गया सोशल ऑडिट सेम बाय सुप्रीम कोर्ट। तो कई सारी कंडीशन सामने निकल कर आती है जब कोई ऐसे ऑडिट किए जाते हैं। तो सोशल ऑडिट जो था वो 2015 में इनिशिएट किया गया, यहां पर NCPCR जो है उसको बोला गया, एक तरीके से डायरेक्ट किया गया उसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 8 राज्य के अंदर स्टार्टिंग में कि ऑल चिल्ड्रन जो है जो खासकर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के अंदर है, ठीक है, तो उनको देखा जाए। खासकर क्या बात की गई, सबसे पहले तो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात की गई है, रिपेट्रिएट करना एक तरीके से, इनके जहां से वो बच्चे आ रखे उनको वापस भेजिए अगर कंडीशन सही है, रिहेबिलेट करना विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, ऐसा नहीं कि आप लोग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में आप लोग उनको डाले रखोगे, अगर कोई बच्चा लगता है किसी को अडॉप्ट किया जा सकता है, किसी बच्चे को कोई गोद ले सकता है तो वो भी आप लोग यहां पर इसका प्रोविजन कीजिएगा। यानी कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में बच्चों को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखना है, कई बार वहां पर भी कंडीशन देखने को सही नहीं मिलती है, तो इसके चलते बच्चों को जल्दी से जल्दी वहां से निकालकर कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई उनको गोद ले ले या फिर उसके लिए कोई अलग से आप लोग कोई पॉलिसी लेकर आओ। तो सिविल सोसाइटी जो है वो कई बार अपने कंसर्न यहां पर लेकर आती है जब यहां पर बात करते हैं चाइल्ड केयर के बारे में इन इंस्टीट्यूशन के अंदर, क्योंकि कई बार एब्यूसिव कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के अंदर भी, और कई सारी कंडीशन आप लोगों को नजर आएगी यहां पर कि फैमिली की प्रॉब्लम को लेकर चलते हुए एब्यूसिव कंडीशन कई बार फैमिली के अंदर देखने को मिलती है जब बच्चे यहां पर लेकर आ जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप लोगों को या तो उनको एडॉप्शन के लिए जल्दी से जल्दी बच्चों को निकालिए ताकि अगर कोई अडॉप्ट करना चाहते हैं, या फिर उनकी केयर के लिए आप लोग कोई ढंग से प्रॉपर स्टेप आप लोग उठाइए, तो ये काम किया जाता है। पर लेकिन ऐसा कई बार माहौल देखने को नहीं मिलता है जैसा बोला जाता है। तो NCPCR जो है यहां पर क्या करते हैं, जैसे कोई एनजीओ अगर रन कर रही है CCI यानी कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, तो प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है, प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है कि NCPCR जो है यहां पर ये इस तरीके की जो एनजीओ होती है उसको भी कई बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं FCRA को लेकर, जिसको बोलते हैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन है। देखिए टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, FCRA सर्च कर लीजिएगा जाकर YoU VeeR, तो पूरा टॉपिक आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है,
अब इसके बारे में थोड़ा बात करता हूं। देखिए नॉर्मली अगर कोई एनजीओ अगर काम कर रही है बच्चों के लिए, ठीक है, अगर वो एनजीओ बच्चों के लिए काम कर रही है और वहां पर उसके जो फंड है उसके रोक दिए जाए, यहां पर एनसीपीसीआर के द्वारा बोला जाए गवर्नमेंट को कि ये एनजीओ ढंग से काम नहीं कर रही है, ओनली किसके लिए कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही है, तो ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना इतना भारी पड़ जाएगा कि बच्चों की देखरेख के जो इंस्टीट्यूशन है वो भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि गवर्नमेंट क्रिटिसाइज झेलने के लिए तैयार क्यों नहीं है। अभी ये कई सारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन थे, तो रोहिंग्या कम्युनिटी, ये रोहिंग्या कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिनको म्यांमार में काफी ज्यादा पड़ताड़ना झेलनी पड़ी, तो अपनी जान बचाकर वो इंडिया के अंदर आ गए। तो रोहिंग्या कम्युनिटी के बच्चे जो थे उनको यहां पर केयर देने की कोशिश की गई, तो उसके चलते भी यहां पर क्या हुआ, एक गलत तरीके से यहां पर ट्रीट किया गया इंस्टीट्यूशन को और फंडिंग रोकने की यहां पर बात की गई। तो एक तरीके से ये भी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। तो जो एनसीपीसीआर है यहां पर ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है, ये गलत तरीका है, ऐसा बोला गया राइटर के द्वारा। इसी के साथ में काफी कुछ अभी करना है हमारी कंट्री में, मेल न्यूट्रिशन कुपोषण के शिकार चाइल्ड लेबर आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसी के साथ में चाइल्ड अब्यूज बच्चों के साथ में आप लोगों को सेक्सुअल ऑफेंस देखने को मिलते हैं, रेप के केसेस अभी आप लोगों को बच्चों के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं अलग अलग राज्य के अंदर में, तो ये सारी चीजों के बारे में कौन बात करेगा, ठीक है। चाइल्ड मैरिज कई बार देखने को मिलती है, मेंटल इलनेस बच्चों को देखने को मिलती है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं बच्चे कई बार माता पिता की लड़ाई देखकर, कई बार और सारी कंडीशन घर में देखने को मिलती है, तो उसके चलते वो प्रॉपर अपनी जो स्टडी हेल्थ वगैरह पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी चीजें मैक्सिमम आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलती है, ठीक है। तो काफी कुछ करना जरूरी है इन सब चीजों से ऊपर उठा जाए। एनसीपीसीआर जो है यहां पर ये कंसर्न रहता है कि एक तरीके से जो चाइल्ड राइट है उनको कैसे लेकर चलना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को और ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ी। एनसीपीसीआर जो यहां पर एक तरीके से ऑथोरिटी पावर के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो रिकमेंड करता है एक तरीके से कि कंडीशन कैसी होनी चाहिए चाइल्ड राइट के बारे में, जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट की हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो कैसे वहां पर सिचुएशन होनी चाहिए। अनडाउटली जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है आप उनको मॉनिटर करने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है, पर कमीशन को भी सपोर्ट करनी चाहिए, कमीशन उनको रोकने की कोशिश न करें, पॉलिटिकली एजेंडे को इंप्लीमेंट करने की कोशिश न करें कमीशन, एक तरीके से वो चाइल्ड केयर के इंस्टीट्यूशन है उनको उसी तरीके से देखा जाए, ना कि पॉलिटिकल इंटरफेयर की तरीके से वहां पर चीजें निकल कर आती है, ठीक है। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहां पर बताई है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन आप लोगों का बने तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। ये यहां पर डेटा पॉइंट है आप लोगों के सामने, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में कभी काफी फार्मर का प्रोटेस्ट आप लोगों को देखने को मिला, तो यहां पर बेसिकली जो बात की जा रही है, जो फार्मर से रिलेटेड बात की जा रही है, किस तरीके से क्या क्या कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। देखिए नोट ए प्राइमरी चॉइस, अगर बात करें यहां पर कई सारे आज के दिन में आप लोगों को देखने को मिलेगा मंडी में सामान जा रहा है, लोकल प्राइवेट ट्रेडर आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर कोऑपरेटिव गवर्नमेंट एजेंसी देखने को मिलेगी, या फिर इनपुट डीलर देखने को मिलेगा, तो सबको समझाने की कोशिश की गई किस किस के फील्ड में कौन कौन से सबसे ज्यादा चीजें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर देखिए, अगर आज की डेट में जो मंडी है गवर्नमेंट की, ठीक है, और इसी के साथ में लोकल प्राइवेट ट्रेडर है, तो उसमें डिफरेंस क्या है। अगर किसी के पास में जो जमीन है एक हेक्टेयर से कम है तो वहां पर मैक्सिमम जो आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकल ट्रेडर के साथ में ट्रेड किया जा रहा है। अगर यहां पर एक हेक्टेयर से ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि जो बड़े बड़े फार्मर है नॉर्मली, तो ये उन्हीं को इन मंडी वगैरह का फायदा होता है, छोटे छोटे किसानों को मंडी वगैरह का कोई फायदा नहीं हो रहा है, छोटे छोटे किसान तो अपने लोकल एरिया में ही बेचारे कहीं बेचबाच लेते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये सिचुएशन देख सकते हैं। सप्लाई एंड डिमांड के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें या रिसीव बेटर प्राइस के बारे में बात करें, तो आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो अवेलेबल नहीं है वो कंडीशन देखने को मिलेगी, और बेटर प्राइस भी नहीं मिल पाता है। तो यहां पर बात की जा रही है पेडी मेज और सोयाबीन के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरीके से यहां पर चीजें बोली जाती हैं ग्राउंड लेवल पर जब आप लोग इनको जाकर देखेगा। अभी मैंने आप लोगों से बात की थी कि यहां पर हमारी कंट्री में अगर जो अभी ये एक्ट बनाए गए हैं अगर उनको इंप्लीमेंट किया जाता है तो कई सारी जो मंडी है वो बंद पड़ जाएंगी, ठीक है। पर मंडी अगर बंद पड़ती है तो फिर क्या होगा, प्राइवेट प्लेयर के हाथ में पावर आ जाएगी, तो एक तरीके से वो अपनी मनमानी करता हुआ यहां पर नजर आएगा। तो वो सिचुएशन यहां पर बेसिकली हमारी कंट्री में देखने को मिलेगी, तो ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा जनता के पास में, तो तब आप लोग कैसे करेंगे। इसी के साथ में कोई ऐसे लोग यहां पर अवेयर है जो एमएसपी के बारे में, ठीक है, जैसे पेडी मेज सोयाबीन, बहुत सारे लोग ऐसे इसके बारे में अवेयर ही नहीं है, ठीक है, अवेयर ऑफ प्रोक्योरमेंट, हाँ प्रोक्योरमेंट हो रहा है, तो कितने परसेंट है ओनली आप लोग देख सकते हैं इनको, 30% मैक्सिमम आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, बाकी के 70% क्या कर रहे हैं उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा चीजों को प्रॉपर वे में ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना चाहिए, तभी सिचुएशन सुधर पाएगी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। किसी भी रीजन से अगर आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया तो फीडबैक देकर जरूर जाइएगा, फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट होता है ताकि आने वाले टाइम में लेक्चर को इंप्रूव किया जा सके। वैसे भी अगर कोई इंप्रूवमेंट आप लोगों को चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला पेपर को देखने के बाद में आप लोगों को लगता है कि हाँ सर लेक्चर के अंदर ये चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है, तो अब आप लोग उनको बताइएगा, जैसे कि स्टैटिक पोर्शन को लेकर कुछ आप लोग अगर करना चाहते हैं, इसी के साथ में करंट अफेयर में कुछ चेंज आप लोग लाना चाहते हैं, तो लेक्चर के अंदर आप लोग बताइएगा किस तरीके से क्या क्या आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ सारी यहां पर मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा स्टडी लवर वीर के नाम से, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो यहां पर 116,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं,
ट्विटर पर और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम वो फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, तो यहां पर भी कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और टेंशन नहीं लिया करते यार, जिंदगी का पार्ट है ये सारी चीजें, इनको टैकल करना सीखिए और प्रॉब्लम से ऊपर उभर कर आगे बढ़ना सीखिए, यही लाइफ होती है। ठीक है, तो देखा नहीं जो मूवी का डायलॉग है कि जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मथुरा दास देखा नहीं बॉर्डर मूवी का डायलॉग, वो तो वही बातें बोलता है कि हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई ऐसा नहीं कि आप लोगों की लाइफ में ही प्रॉब्लम चल रही है। तो किससे किस तरीके से उसको टैकल करना है, ये होना चाहिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।